लेकिन आज ही नेताजी के बाद ये पहला चुनाव इस मंत्री लोकसभा के लिए हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। मंत्री का इलेक्शन देश और दशा की दिशा तय करने जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो आपस में जो मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद खत्म हो गए? देखिए लोकसभा का जो आम चुनाव होगा 2024 में उससे पहले संभवतः आखिरी चुनाव है 24 से पहले और पार्टी के सभी लोग परिवार के सभी लोग मिलकर इस चुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए काम करेंगे और जनता के साथ साथ पार्टी और पूरे प्रदेश को ये संदेश भी देंगे कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार। चाचा साथ में देखेंगे प्रचार में? बिल्कुल साथ में रहेंगे, मैंने आपसे कहा पूरा परिवार और पूरी पार्टी ज्यादा प्रदेश में आपका नाम आगे था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए पार्टी का फैसला है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूंकि वो पहले से लीडर ऑफ अपोजिशन है इस समय है और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आरडी डिंपल यादव जी को जो कि दो बार की पूर्व सांसद भी हैं उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से पूरे पार्टी के सभी लोग उन्हें चुनाव में जिताएंगे। अगर बीजेपी कहीं अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में लाती है? कि बीजेपी किसको ला रही किसको नहीं ला रही तमाम तरह की बातें चल रही, तमाम नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी बीजेपी से आएगा वो हार का मुंह देखेगा और समाजवादी पार्टी चुनाव को